हाँ जी हेलो, ये जी राजन को यही कहना चाहेंगे जी, बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, बी गली का समाधान हुआ। हम इसको कांडा करके ही बोलते हैं, ये हमारा छोटा मोटा जो भी हम इसके यहाँ इसको समस्या बताते हैं ये हमारी पूरी करता है, हमारे साथ मोटे से मोटा मिलाकर चलता है। आज इसने ये काम किया और आगे भी करता रहेगा। इस राजन भैया ने सीवर डलवा दिया, इससे हमारी लड़ाई नहीं होगी मोहल्ले में। ये वार्ड नंबर 11 का एरिया है, सुंदर नगर का 5 नंबर गली। ये लगभग 25 साल पुरानी समस्या है, जो पब्लिक की डिमांड थी सीवर लाइन की। तो यहाँ डिमांड थी कि यहाँ तीनों गलियों में सीवर लाइन नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो पब्लिक की डिमांड के ऊपर अधिकारियों से बातचीत की और हमारे माननीय जो एक्शन साहब है राहुल जी, उनका मैं दिल से पूरे वार्डवासी हम आभारी हैं, जिन्होंने अपने जेई को निर्देश दिए भी आप वहाँ पर जाके मौका देखें। जेई जो कुलदीप जी हैं वो स्वयं यहाँ आके मौका देखा, उन्होंने सारा एरिया उन्होंने देखा, नक्शा बनाया और उन्होंने ऊपर इसकी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर कम्बोज जेई आए, उन्होंने इसका नक्शा बनाया, सारी रिपोर्ट फिर एक्शन साहब को दी। एक्शन साहब ने बड़ी तेज़ी के साथ, पब्लिक की डिमांड ज़रूरत थी इस डिमांड की, और उस कार्य को तेज़ी के साथ आज उन्होंने कार्य करवाने का काम किया। हम पब्लिक हेल्थ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एक्शन साहब का, जिन्होंने 25 साल पुराना काम, जो लोगों को उम्मीद नहीं थी ये काम हो जाएगा, और ये काम आज स्टार्ट हुआ जी। तो कितनी गलियां कवर हो जाएंगी? हाँ जी, गलियां कितनी कवर होंगी इसमें? लगभग आप मानकर चलो 3 गलियां कवर होंगी। जो थोड़े दिन पहले पानी की पाइपलाइन जो गलियों में नहीं थी वो डाल दी गई है, तो ये 3 गलियां इससे कवर होंगी। 1200 फुट लगभग लाइन है ये, और यहाँ 1200 फुट और जो बाकी होगी वो भी जल्द डाली जाएगी। एरिया कौन सा पड़ जाता है ये? एरिया है जी वार्ड नंबर 11 कंगनपुर रोड सुंदरनगर। और आज आपके सामने विकास की, हम तो पब्लिक हेल्थ का ही धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने पब्लिक की डिमांड के ऊपर उन्होंने एक संज्ञान लिया और ये आज आपके सामने काम स्टार्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक्शन साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं, हम सब वार्डवासी पब्लिक हेल्थ अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब राजन शर्मा का बहुत धन्यवाद करूँगा, जिसने कि गोपाल कांडा साहब को कह कर ये सीवर लाइन का काम शुरू किया है। हमारे वार्ड में एक हमारे को ऐसा नेता चाहिए जो आने वाले समय के लिए हम इसको MC बना के भेजेंगे। क्या नाम है सरोज देवी जी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? समस्या लंबी थी, हल हुई है? हाँ जी हल हुई है जी, राजन को यही कहना चाहेंगे जी, बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, बी गली का समाधान हुआ। धन्यवाद जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजन का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। समस्या काफी पुरानी थी? काफी पुरानी थी, दिक्कत बहुत आती है। बहुत दिक्कत आती है, कच्चा रास्ता है। मेरा नाम है जी परमजीत कौर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहीं के निवासी हैं, हमारा जो राजन बेटा है हम इसके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। हम इसको कांडा करके ही बोलते हैं, ये हमारा छोटा मोटा जो भी हम इसके यहाँ इसको समस्या बताते हैं ये हमारी पूरी करता है, हमारे साथ मोटे से मोटा मिलाकर चलता है। आज इसने ये काम किया और आगे भी करता रहेगा। क्या नाम आपका? पलक। क्या कुछ कहना चाहेंगे पलक? कि हमारी गली में सीवर आ गया, राजन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। राजन भैया ने सीवर डलवा दिया, इससे हमारी लड़ाई नहीं होगी मोहल्ले में।